नमस्कार दोस्तों, संयम बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज किस वीडियो में हम बनाएंगे रुमाली बाजू, तो बिल्कुल आसान तरीका आपको बताएंगे रुमाली बाजू बनाने का। तो देखिए, सबसे पहले आपको नाप ले लेना है कोहनी तक। कोहनी तक आपका जितना भी आता है, हमारा 11.5 इंच कोहनी तक आया है, 11 इंच। तो देखिए, हमने 11 इंच लिया और 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। जितना भी आपका कोहनी तक नाप आए, उससे 1/2 इंच ज़्यादा आपको लेना है। तो ये बाजू की हमारी मोरी हो गई है 5 इंच, ठीक है। आपकी बाजू की मोरी जितनी भी हो आप ले लें। उसके बाद देखिए, आपको एक चोरस पीस लेना है। तो इस तरीके से देखिए, हमने एक चोरस पीस लिया है। तो इसकी आपको लंबाई चौड़ाई देखिए, यहाँ से 16 इंच लेनी है और चौड़ाई भी आपको 16 इंच लेना है। 16x16 का आपको पीस ले लेना है इस तरीके से। तो एक बार मैं फिर बता दूं, कोहनी तक आपका जितना भी आया है, हमारा 11 इंच आया, आपका जितना भी आए कोहनी तक, आपको उतना ले लेना है इस तरीके से, आपका 11x12, और उससे 1/2 इंच फालतू आपको ये रखना है। ये हमारी बाजू की मोरी हो गई है। कोहनी तक हमारी बाजू की मोरी जितनी भी आए आपको रख लेनी है। अब देखिए, हम इस चौरस पीस को उठाएंगे, 16x16 का जो हमने पीस कटिंग किया हुआ है, इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से रुमाल की तरह इसकी तह लगा देंगे। तो इसको अच्छे से सेट करके आप रख लें। ये देखिए, ये हमारी बंद वाली साइड है, ये वाली हमने जो बिल्कुल बंद है हमारी साइड में है। ये हमारे देखिए 4 फोल्ड हैं इस तरीके से, ये आपको आगे की तरफ रखने हैं। अब देखिए, यहाँ से हमें कोने से इसको कटिंग करना है। जैसे कि आपकी बाजू की मोरी 10 इंच है, कोहनी पर आपकी जितनी भी बाजू की मोरी आए, हमारी 10 इंच आई है, आपकी जितनी भी आए, उतना हमें यहाँ से कटिंग करना है। तो कटिंग किस हिसाब से करना है, देखिए, बाजू की मोरी जैसे हमारी 10 इंच है, 10 का 1/2 करेंगे और उसके बाद उसका फिर से 1/2 करेंगे, 2.5 इंच, यानी कि 10 का 4/4 हिस्सा बनेगा हमारा 2.5 इंच। तो यहाँ से आपको उसको इस तरीके से 2.5 इंच लेना है। बिल्कुल भी आपको ये ज़्यादा नहीं लेना है, 2.5 इंच आपको पूरा लेना है। ये इस तरीके से देखिए, यहाँ से 2.5 इंच का निशान आपको इस तरीके से लगा देना है और हल्की सी गोलाई आपको देनी है बिल्कुल। अगर गोलाई ना भी देंगे फिर भी चलेगा। तो इस तरीके से हम इसको हल्का सा गोलाई में कटिंग कर लेंगे। आप सीधा कटिंग करना चाहें सीधा भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको नापना है। ये हमारा 2.5 इंच है, 2.5 इंच से आपका एक भी पॉइंट फालतू नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, हमने इसको कटिंग कर लिया है। तो कटिंग करने के बाद अब हम इसको बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारी बाजू हो गई है। तो इसको बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए, अब हम मशीन पे चलते हैं। तो देखिए, मशीन पे आने के बाद सबसे पहले आपको बाजू को साइड में रख देना है। ये जो हमारा रुमाल टाइप हमने कटिंग किया है, सबसे पहले आपको क्या करना है इसका, देखिए यहाँ पे ये हमारी जो साइड है, इसको उल्टी साइड में फोल्ड करना है इस तरीके से। चारों तरफ आपको सिलाई लगा देनी है, ठीक है। उल्टी साइड में आपको ये अंदर की साइड में फोल्ड करना है, सीधी साइड हमारी नीचे की तरफ है। इस तरीके से आपको इसके चारों तरफ आपको सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, सिलाई हमने लगा ली है इस तरीके से। ये हमारी उल्टी साइड है, ऊपर की साइड हमारी अब सीधी साइड है। अब देखिए, आप कोई भी लैस ले लें अपने हिसाब से, जैसी आपकी इच्छा है, अपनी पसंद की आप लैस ले लें। इस तरीके से रखेंगे लैस को, चारों तरफ लगा देंगे। तो हम इस लैस को चारों तरफ लगा देते हैं। अगर आप लैस नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, अगर लगाना चाहें तो बाजू का ये डिज़ाइन थोड़ा और अच्छा लगेगा, इसलिए आप लैस ज़रूर लगाएं इस पर। तो उस तरीके से चारों तरफ आपको लैस लगा देनी है इस तरीके से। अब यहाँ पे आने के बाद ये पूरे में लैस हमारी लग चुकी है। यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा ये लैस है, इसको कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए, ये हमने लैस लगा दी है इस तरीके से। सफाई से आपको लैस लगानी है,
ठीक है, लेस लगाने से ये थोड़ा बाजू और भी अच्छा सुंदर लगेगा। अब देखिए ये बाजू हमने कटिंग की हुई है। अब यहाँ से देखिए जितना भी आपका कोहने पे आपकी बाजू की मोरी है यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमने बाजू का नाप कोहने तक लिया हुआ है। और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको कटिंग कर देंगे सिलाई लगाने के बाद। अब एक सेंटर में कट आपको लगा लेना है इस तरीके से। यहाँ पे सेंटर में कट लगाने के बाद बाजू को सीधा करेंगे। तो बाजू को आपको सीधा कर लेना है। अब आपको लेना है ये पीस जो हमने तैयार किया है। अब देखिए इस तरीके से बाजू में आपको हाथ डालना है। और यहाँ पे देखिए ये कोने जो हमारे चारों कोने हैं, कोई सा भी आपको एक कोना पकड़ लेना है। और जो हमने बाजू का सेंटर का कट लगाया था उस कट से आपको ये कोना मिलाना है इस तरीके से। एक कोना आप कट से, कोई भी कोना आप कट से मिला लें। और इसको इस तरीके से सिलाई मारते हुए इसको लगा देना है। गोलाई में हमें ये सिलाई लगानी है, जिस तरीके से हम बाजू चढ़ाते हैं ना कुर्ती में, उस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। तो आप देख सकते हैं ये हमने इसमें जो हमारा रुमाल था बाजू में चढ़ा दिया है। अब इसके बाद हमें हल्के हल्के इसमें कट लगा लेने हैं ताकि हमारी गोलाई जो है अच्छे से बन जाए। हल्के हल्के कट लगाने हैं आपको, सिलाई से दूरी बना के रखनी है कट लगाते हुए। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारी ये बाजू बनके तैयार हो गई है। तो रुमाली बाजू हमारी तैयार है इस तरीके से। यहाँ पर इसको इस तरीके से डालेंगे, इसकी कुछ इस तरीके से लुक आएगी, बहुत ही सुंदर लगता है ये डिज़ाइन। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो बिल्कुल आसान तरीका आपको बताया है रुमाली बाजू बनाने का। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।